बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद विकास हाशमी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला डिवीजन के सबसे बड़े करंटीना सेंटर में, जो कि मुस्लिम हैंड कॉम्प्लेक्स में जो है वो बनाया गया है। आज यहाँ पर कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन और ऑनरेबल आरपीओ गुजरांवाला जनाब रियाज नजीर गाड़ा साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। उन्होंने करंटीना सेंटर के तमाम रूम्स का विजिट किया, तमाम हॉल्स का विजिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यहाँ पर तो कोई पेशेंट तो नहीं लाया गया, लेकिन कुछ दिन पहले जब वज़ीर-ए-आला पंजाब यहाँ पर तशरीफ लाए तो उनकी हिदायत पर कुछ हदायत तो की गई है इंतजामिया को, जिली इंतजामिया को, कमिश्नर और आरपीओ और सीपीओ के अलावा डीसी गुजरांवाला को, कि यहाँ पर जो कुछ शहरों से भी अगर कोई मरीज कोरोना के हुए तो उन्हें यहाँ पर हंगामी सूरत में जो है वो रखा जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि आज आरपीओ गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला का यहाँ पर आने का एजेंडा ये था कि यहाँ पर एक तो तैयारियों का जायजा लेना, यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने पेशेंट रखे गए हैं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर, आज दर्जनों सहाफी जिला भर से भी यहाँ पर तशरीफ लाए और आरपीओ गुजरांवाला ने और कमिश्नर गुजरांवाला ने उनके तमाम सवालात का जो है वो जवाब दिया। उनका यही कहना था कि कुछ सहाफियों ने सवाल किए कि आरपीओ साहब और कमिश्नर साहब आप ये बताएं कि लॉकडाउन पर जो है वो क्या मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है या किसी इलाके में छूट भी है। तो इस जवाब पर आरपीओ साहब रियाज नजीर गाड़ा साहब का कहना था कि जो लॉकडाउन है, डबल सवारी है, दफा 144 है, इस पर हर किस तौर पर कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा तमाम शहरों में, चाहे वो गुजरांवाला डिवीजन का कोई जिला कोई शहर है। और मैं ये बताऊं कि गुजरांवाला डिवीजन में तकरीबन 6 जिला आते हैं जिनमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है, और गुजरात है, मंडी बाउलदीन है, उसके अलावा गुजरांवाला है, उसके अलावा नारोवाल है, इसके जो है दीगर शहर है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर भी फासले इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। हर एक जिले का अपना अपना करंटीना सेंटर तो नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि ये डिवीजन गुजरांवाला का जो सबसे बड़ा करंटीना सेंटर है वो यहाँ पर शोधरा वजीराबाद में बनाया गया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि गुजरात में भी एक करंटीना सेंटर है, चूंकि गुजरात में कुछ मरीजों की तादाद जो है वो ज्यादा है, इसे वहां पर जो है वो इस टाइम तकरीबन 110 के करीब मरीज जो है वो रखे गए हैं। ताहम अभी तो हिफाजती इंतजाम भी वहां पर मुकम्मल है, वक्फे वक्फे से इंतजामिया के जो कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं वहां के गुजरात के, वो भी वहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि दाखिली और हारजी रस्तों की, तो वो तमाम तर जो वो वजीराबाद को गुजरात से मिलाने वाली या वजीराबाद को गुजरांवाला से मिलाने वाली जो सड़कें हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर सील है। रेंजर के दस्ते तैनात है, फौज तैनात है, मुकम्मल तौर पर पुलिस तैनात है, जो कि वक्फे वक्फे से वहां पर जो है वो तमाम लोगों को देखती है। आने जाने वाले की खूब चेकिंग होती है मुकम्मल तौर पर। अगर कोई डबल सवारी में अगर कोई लेडी साथ हो तो उसे बिल्कुल समझाया जाता है कि आप बाहर ना निकले, फासी तदाबीर अख्तियार करें। इस टाइम एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज कमिश्नर गुजरांवाला ने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी यही जो है वो जोर दिया। जी,